चीन में हजारों साल से चट्टानों पे खूबसूरत घर और मंदिर बने हुए हैं, जो आज काफी मजबूती से खड़े हैं और ये इनकी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। मगर इन चट्टानों पर रहने वालों की दुर्दशा और हालात इतने सालों बाद आज भी वैसे ही है जैसे कई सालों से थे। 2016 में कुछ स्कूली बच्चों की तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई, तब लोगों को पता चला कि इन बच्चों को रोज इसी कच्ची पक्की लकड़ी और लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्कूल जाना पड़ता था और वापस काफी मशक्कत करके वापस घर पर जाना पड़ता था। आप देख रहे होंगे कि किसी महिला की पीठ पर एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ है, किसी के कंधे पर घर का सामान बंधा हुआ है, कोई महिला तो अपने दो दो बच्चों को साथ में लेके चल रही है, कोई अपनी पीठ पर बड़ी सी मशीन बांध कर लेके जा रहा है, एक महिला तो अपने पीठ पर वॉशिंग मशीन तक बांध के लेके जा रही है। कठिन प्रवास तब शुरू होता है जब लकड़ी और पुराने लोहे के पाइप से उतरना होता है। करीब 2 घंटे की सफर करके यहाँ के लोग बाहरी दुनिया तक पहुँचते हैं और अपनी चीजें बाजार में बेचने के लिए और घर की चीजें लाने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है और गर्भवती महिला को तो काफी दिन पहले ही इस 800 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे उतर जाना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिए।